नगर भ्रमण के लिए निकले और नगर भ्रमण में जब निकले तो नगर भ्रमण में ब्रज की मथुरा की गोपियों ने भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा की। अभ्यवरसन सौ मनस्यैः प्रमदाबल केशवौ, भगवान सखाओं के साथ मथुरा की गलियों में घूम रहे थे, तब तक उधर से एक रजक आ गया, धोबी, वो कंस के कपड़े धुलता था। उधर से वो आ रहा था, इधर से भगवान जा रहे थे, उसने देखा भगवान बीचों बीच मार्ग में अपने सखा मंडली के साथ आ रहे थे। बड़े रोब में, बड़े ताव में उस रजक ने कहा, ए हट जा सामने से। भगवान श्याम सुंदर ने देखा, रे कौन है? बड़ा भयानक था, काले रंग का, लाल लाल उसकी आंखें, बड़ी बड़ी मूछें, सिर में पगड़ी बांधे हुए और गिद्ध का पंख लगाए हुए और लोहे के आभूषण पहने हुए, बड़ा भयानक, जमराज के दूत जैसा प्रतीत तो हो रहा था। जब वो सामने आया और उसने कहा, ए छोरे हट जा सामने से, तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा, तो बड़ा दुष्ट है। भगवान ने कहा, नहीं हटेंगे। उसने कहा, जानते नहीं हो मैं कंस का धोबी हूं। उसको इसी बात का गर्व था कि हम कंस के धोबी हैं। भगवान ने कहा, अच्छा तुमको जाना है तो तुम इधर से चले जाओ, मैं नहीं हटूंगा। तो उस धोबी ने भगवान को कुछ अपशब्द कहा, कठोर शब्द कहा। वो धोबी कपड़े लिए हुए था, कंस के कपड़े धुलता था, कंस के राजसी वस्त्रों को लेकर के जा रहा था और भगवान ने देखा तो भगवान ने कहा, देखो ये वस्त्र बड़े सुंदर हैं, ये वस्त्र मुझे दे दो। बैठ जाओ भैया, थोड़ी देर कथा में विघ्न होता है, दृष्टि सब तरफ जाती है। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने कहा, ये वस्त्र मुझे दे दो। तो उस धोबी ने कहा कि ऐसे वस्त्र तुम्हारे जैसे लोग पहनते हैं? ईदृशान्येव वासांसी नित्यं गिरिवने चराः, तुम्हारे जैसे जंगल में रहने वाले जंगली लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते, ये राजसी वस्त्र हैं। तो भगवान ने कहा, ये तुम्हारे जो राजा हैं ना, कंस महाराज, वो मेरे मामा हैं, मैं उनका भांजा हूँ। भगवान ने सोचा, अब तो सबको पता चलेगा ही, तो हम ही बताएं। भगवान ने कहा, वो मेरे मामा हैं, मैं उनका भांजा हूँ। उस धोबी ने कहा, जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे कितने लोग ऐसे ही अपने को महाराज का रिश्तेदार और नातेदार बताते रहते। और कुछ कटुवचन कहा, तब तक भगवान ने उछल करके एक थप्पड़ मारी, उस धोबी का मस्तक धड़ से कट करके अलग हो गया, वस्त्र वहीं गिर पड़े। सखाओं ने उन वस्त्रों को उठा लिया और कहा, भैया ये वस्त्र तो बड़े सुंदर हैं, लेकिन एक भी हमारे अनुकूल नहीं। तब तक भगवान ने देखा, वहीं मथुरा में एक दर्जी था, भगवान का भक्त था। वो दर्जी अपने पूरे परिवार के सहित आ गया, उसके परिवार के लोग कपड़ा सिलने का ही काम करते थे, उसके नाती पोता, बेटी बेटा जितने थे सब आ गए, भगवान का परम भक्त था। उसने कहा, महाराज थोड़ा समय दो तो इन वस्त्रों को मैं आपके अनुकूल बना दूं। भगवान ने कहा, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण को वस्त्र पहनाया, बांह बड़ी बड़ी थी, बांह में जो ज़्यादा था उसको कैंची से काट करके इधर से निकाला, इधर से निकाला, उधर से निकाला और फटाफट सी करके उनको अनुकूल बना दिया। और सखाओं को भी ऐसे ही पहना दिया। अब सभी सखा कृष्ण बलराम राजसी वस्त्र पहन करके सज गए, अद्भुत स्वरूप हो गया। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, भैया कपड़े तो बड़े दिव्य हो गए, अब थोड़ा गले में फूल की माला हो जाए तब नगर घूमने का मजा आवे। अरे नगर देखने जाओ, घूमने जाओ, तो घूमने का मजा तब है कि आप नगर देखो और नगर के लोग आपको देखें, तब तो देखने का मजा। यही तो ये शिक्षा किसने दी थी? बोले विश्वामित्र जी ने भगवान को दी थी। जनकपुर में जब भगवान नगर भ्रमण के लिए जाते हैं तो अनुमति जब लेते हैं विश्वामित्र जी से, तो विश्वामित्र जी का क्या कहते हैं,
विश्वामित्र जी कहते हैं जाओ देख आवो नगर सुख निधान दो भाय और सुफल करो सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। केवल देखना मत, अपने को भी दिखा करके लोगों के नयन को सफल कर देना। तो वही भाव यहां भी है, वही कृष्ण बलराम, वहां राम लक्ष्मण है, यहां कृष्ण बलराम। तो भगवान ने सुंदर वस्त्र धारण कर लिया, भगवान ने सोचा अब गले में माला भी हो तो शोभा हो जाए। मथुरा में एक माली था जिसका नाम था सुदामा। सुदामा नाम का माली भगवान का परम भक्त, कृष्णावतार की लीला में भगवान के तीन सुदामा नाम के भक्त हैं। बिना सुदामा के भगवान रह नहीं सकते महाराज। वृंदावन में हैं तब भी एक सुदामा है जिनको हम श्री दामा कहते हैं। मथुरा में आते हैं तो सुदामा नाम का माली भगवान का भक्त मिलता है, और मथुरा से जब द्वारिका चले जाते हैं तो द्वारिका में सुदामा मिलते हैं जिनके विषय में आप जानते हैं। सुदामा, सुदामा नाम भगवान को अत्यंत प्रिय है, इसलिए तीनों जगह की लीलाओं में, वृंदावन की लीला में, मथुरा की लीला में, द्वारिका की लीला में, तीनों लीलाओं में सुदामा नाम के भक्त का आगमन होता है। यहाँ सुदामा नाम के माली आए, ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतुः तौ दृष्ट्वा च समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि। कृष्ण बलराम दोनों सुदामा के घर पहुँचे। सुदामा नाम के माली ने भगवान को सुंदर माला पहनाई और जितने सखा थे उन सबको माला पहनाई। अब माला पहन करके सब सज गए, आनंदित हो गए, वहाँ से आगे बढ़े। तो भगवान ने सोचा कि अब कपड़े सुंदर हो गए, माला भी बढ़िया हो गई, अब मत्थे पर थोड़ा चंदन लग जाए तब मजा आ जाए, बिना चंदन के शोभा नहीं। तब तक देखा उधर से एक दासी आ रही थी, तीन जगह से टेढ़ी थी। कौन थी? बोले दासी। दासी का मतलब, बोले दासी, दा जैसे लिखा जाता हो ऐसे थी दासी। दा लिखो तो बीच में उसका पीठ ऐसे निकल जाता है, दा लिखो तो दा की पीठ इधर निकली रहती, उसी तरह उसकी भी पीठ निकली थी, कुबड़ निकला था, दासी। दासी थी, और किसकी दासी थी? बोले कंस की दासी थी, उसका नाम सैरंध्री था, कुबड़ निकला था इसलिए लोग उसको कुब्जा भी कहते थे। कंस के लिए चंदन घिस करके ले जाती थी। रास्ते में मिल गई, भगवान ने रोका और कहा अरे सखी कहाँ जा रही हो? वो तो बेचारी गदगद हो गई, भाव विभोर हो गई, कभी कोई उससे बात भी नहीं करता था क्योंकि इतनी कुरूप थी, उसको कुबड़ निकला था, कोई उसको पूछता नहीं था। भगवान श्याम सुंदर ने कहा अरे सखी कहाँ जा रही हो? वो तो मगन हो गई, बोले श्याम सुंदर मैं तो कंस की दासी हूँ, ये चंदन उनके लिए लेकर के जाती हूँ। भगवान श्याम सुंदर ने कहा ये चंदन मुझे दोगी? दासी ने कहा महाराज इस चंदन के योग्य तो आप ही, मैं आपको ये चंदन दूंगी। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा दो, ये चंदन मुझे लगा दो अपने हाथों से। तो कुब्जा ने कहा एक शर्त है मेरी, अगर उस शर्त को मान लो तो मैं चंदन लगा दूंगी। भगवान श्याम सुंदर ने कहा क्या शर्त है? तो कुब्जा ने कहा चंदन के सहित इस चंदन वाली को भी अगर आप स्वीकार कर लो तो मैं चंदन आपको समर्पित कर दूं। चंदन वारी सहित लेहु चंदन यदुनंदन। कुब्जा ने कहा चंदन के सहित चंदन वाली को भी आप स्वीकार करो अपने चरणों में तो मैं आपको चंदन अर्पित करूं। श्याम सुंदर ने कहा कोई बात नहीं, स्वीकार्य है। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा पिछली बार मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, रामावतार में बिचारी शूर्पणखा आई और उसका हमने तिरस्कार कर दिया, परिणाम अच्छा नहीं हुआ, इतना बड़ा युद्ध लड़ना पड़ा, क्या क्या बवाल मचा, कितना रोना धोना पड़ा, इसलिए अब कृष्णावतार में ऐसी भूल नहीं होगी। कोई भी आओ, लंगड़ी आओ, लूली आओ, कुबड़ी आओ, कैसी भी आओ, बूढ़ी आओ, सब स्वीकार, कन्हैया किसी का त्याग नहीं करते। वो कुबड़ी आ गई महाराज, भगवान ने स्वीकार कर लिया, बोले ठीक है। कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया, जब चंदन लगाया तो भगवान ने सोचा अब इसको सुंदरी बना दे। भगवान ने सोचा उस बार
सुंदरी बन करके आई थी, कौन? बोले सूर्पणखा, दिव्य सुंदरी बन करके आई थी माया के द्वारा। तो उस बार तो सुंदरी को कुरूप बना दिया, उसका नाक कान काट दिया। तो भगवान ने सोचा अब उस गलती का परिमार्जन तो यही होगा कि इस कुरूपा को सुंदरी बना दें। और भगवान ने क्या किया, बोले कुब्जा के दोनों पैर के पंजे पर अपने पैर को रखा, पदभ्याम आक्रम्य प्रपदे द्वयंगुलत्तान पाणिना, उसके दोनों पैर के पंजे पर अपने दोनों पैर के पंजों को रखा और कुब्जा की यहाँ ठुड्ढी पर अपनी दो उंगली लगाई और बायां हाथ उसके पीठ के कुबड़ पर रखा और ऐसे जोर का झटका दिया खट से, तीन जगह से टेढ़ी कुब्जा परम सुंदरी हो गई। महाराज रिज्वी कर तुम मनश्चक्रे दर्शयन दर्शने बलम, अपने दर्शन का फल भगवान ने कुब्जा को प्रदान किया, कुब्जा परम सुंदरी हो गई और वहीं भाव विभोर होकर के नाचने लगी। श्याम सुंदर के पीतांबर को पकड़ करके खींचने लगी, श्याम सुंदर चलो मेरे घर। सुखदेव जी कहते हैं उत्तरीयांतमा कृष्य स्मयंती जात हृच्छया, भगवान के उत्तरीय को पकड़कर पीतांबर के कोने को पकड़ करके खींचने लगी और कहती श्याम सुंदर चलो मेरे घर, मैं आपका चरण धोऊंगी, आरती उतारूंगी, भोग लगाऊंगी, माला पहनाऊंगी, आपका आतिथ्य करूंगी। भगवान के पीतांबर के कोने को पकड़ करके कुब्जा बार बार खींचने लगी, आग्रह करने लगी। इस दृश्य को देखकर, कुब्जा के प्रेम को देख करके भक्तों ने भगवान का एक नाम रख दिया। क्या नाम? बोले कुब्जा कृष्टांबर धरह, ये भगवान का एक नाम है, कुब्जा कृष्टांबर धराय नमः। भगवान कृष्ण के 108 नामों से जब भगवान के चरणों में तुलसी समर्पण किया जाता है तो यह भी नाम स्मरण किया जाता है, कुब्जा कृष्टांबर धराय नमः। कुब्जा ने जिनके पीतांबर को आकृष्ट किया, खींचा, ऐसे गोविंद के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बाद में भगवान कुब्जा के यहाँ गए हैं और कुब्जा के घर जाकर के भगवान ने कुब्जा के मनोरथ को पूर्ण किया, साथ में उद्धव को लेकर के भगवान गए हैं और कुब्जा के मनोरथ को भगवान ने पूर्ण किया। कहने का भाव कि कुब्जा के ऊपर भगवान कृपा करते हैं, वहां से आगे बढ़े, पहुंचे वहां पर जहां धनुष रखा था, धनुष को भगवान ने तोड़ दिया। सिपाही सैनिक आए युद्ध करने के लिए, उसी धनुष के टुकड़े से एक टुकड़ा बलराम जी ने ले लिया, एक कृष्ण भगवान ने, और उसी टुकड़े से मार मार करके सैकड़ों सैनिकों को मृत्यु के घाट उतार दिया। ये समाचार कंस को पता चला, धनुष टूट गया, कंस भयभीत हो गया, उसको अपनी मृत्यु दिखाई पड़ने लगी। दूसरे दिन प्रातः काल कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ जब रंगमहल में प्रवेश करते हैं कंस के दरबार में, कंस ने महल के द्वार पर कुबलयापीड नाम का हाथी खड़ा कर दिया था, उसे मदिरा पिला करके ये हाथी कृष्ण को कुचल करके मार देगा। मदिरा पिला करके कुबलयापीड हाथी को महल के द्वार पर खड़ा कर दिया था। भगवान जब पहुंचे तो भगवान ने कहा हाथी को हटाओ, महावत ने कहा ये हाथी नहीं हटेगा, तो भगवान ने कहा अगर ये हाथी नहीं हटेगा, नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयामि यम साधनम, अगर ये हाथी नहीं हटा तो इस हाथी के सहित मैं तुमको यमपुरी पहुंचा दूंगा। नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयामि यम साधनम, मैं तुमको यमपुरी पहुंचा दूंगा। अब तो महाराज वो महावत बिगड़ गया, महावत ने हाथी को इशारा किया, हाथी दौड़ पड़ा भगवान को मारने के लिए, भगवान आगे बढ़े, आगे जाकर के भगवान जमीन पर लेट गए। कुबलयापीड ने अपने दांत से प्रहार किया, तब तक भगवान सरक करके आगे निकल गए। जब तक वो उठ करके हाथी खड़ा हो तब तक भगवान हाथी के पीछे आ गए और हाथी के पूंछ को पकड़ लिया। पुच्छे प्रगृहयाति बलम धनुष पंचविंशतिम, हाथी के पूंछ को पकड़कर, कुबलयापीड के पूंछ को पकड़कर भगवान जोर से खींचने लगे। अब वो हाथी चिघाड़ने लगा, क्योंकि हाथी के शरीर में सबसे कमजोर अंग अगर कोई होता है तो पूंछ होती, बाकी तो हाथ पैर सूंड शरीर सब विशाल का है। पतली सी पूंछ और उसको पकड़ करके भगवान जब खींचने लगे तो वो सोच रहा था कहीं हमारी पूंछ उखड़ न जाए, और भगवान तो बड़े बड़े कोई पूंछ उखाड़ देने वाले,
अब महाराज जब खींचने लगे तो पीछे सरके हाथी और चिल्लाए चिघाड़े, 100 हाथ तक भगवान हाथी को खींचते पीछे लेकर के चले। धनुष पंचविंशतिम, 4 हाथ का एक धनुष होता है और 25 धनुष माने 100 हाथ, 100 हाथ दूर तक भगवान उस हाथी को खींचते लेकर के चले गए। वो चिल्लाता रहा, अंत में उसे छोड़ दिया और सामने आए। सामने आकर के उसकी सूंड को पकड़ करके भगवान गोविंद ने कुबले आपीड हाथी को पटक दिया जमीन पर। और पटकने के बाद उसके सूंड पर पैर रखकर दोनों दांत भगवान ने उखाड़ लिए। कुबलया पीड़ के दोनों दांतों को निकाल करके उल्टा करके नुकीला हिस्सा जो था उस नुकीले हिस्से को उसी हाथी के पेट में धंसा दिया। कुबलया पीड़ का वध कर दिया भगवान ने और फिर उस दांत को निकाल करके एक दांत बलराम जी को दे दिया, एक दांत भगवान ने ले लिया। उस दांत से खून टप टप टपक रहा था और कृष्ण बलराम दोनों भाई उन दांतों को लेकर के आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे सखा मंडली चल रही है। भगवान कृष्ण और बलराम कंस के दरबार में प्रवेश करते। इस दृश्य को देख करके कंस व्याकुल हो गया। कंस को अपनी मृत्यु दिखाई पड़ने लगी। रंगशाला में जब भगवान प्रवेश करते हैं गजदंत को हाथ में लेकर, तो जो लोग बैठे थे वहां पर जिनकी जैसी भावना थी वैसा दर्शन हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि मल्लानाम असनिर्नाम नरवरो, जो बड़े बड़े पहलवान थे उनको लग रहा था कोई मल्ल आ रहा है, बहुत बड़ा वीर आ रहा है। नरवरह नृणाम, मनुष्यों को लग रहा था कि पुरुषोत्तम आ रहे हैं। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को लग रहा था साक्षात कामदेव ही आ रहे हैं परम सुंदर परम मनोहर। गोपानाम स्वजनों, जो गोप जाति के थे उनको लग रहा था ये तो हमारे बिरादरी के हैं, हमारे स्वजन हैं। क्षितिभुजाम सास्ता, जो राजा थे उन राजाओं को लग रहा था कि संपूर्ण पृथ्वी का शासन करने वाले चक्रवर्ती पुरुष आ रहे हैं। और स्वपित्रो शिशुहु, और वसुदेव जी को लग रहा था कि मेरे पुत्र कृष्ण आ रहे हैं। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्त्वम परम योगिनाम, और राजा कंस को लग रहा था कि मेरी मृत्यु आ रही है और जो योगी थे उनको लग रहा था परम तत्व आ रहे हैं। तत्त्वम परम योगिनाम, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।